इम्पोर्टेंस. वेलकम टू ग्रो माय हिंदी टैरो. और ये रीडिंग है आपके अगस्त के सेकंड वीक की. चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ अगस्त. मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस. लेडी, Ten of Spheres, the Pentacles. An astrologer. Okay. I think ये time है अपने life में आपने जो कुछ भी aims रखे हैं अपने relationship को लेके उन्हें आगे ले जाने का. क्योंकि 10 of sphere के साथ luck आपके साथ है. आप जो कुछ भी करेंगे universe उसमें आपका support करेगा. Okay. In case अगर आप सोच रहे थे अपने partner से कुछ पूछने की, आई थिंक एस्ट्रोलॉजर के साथ आपके लिए एडवेंचर करने का ये सबसे सही मौका है. एडवेंचर से मेरा मतलब है कि आप इस बात को लेकर थोड़े से डाउटफुल हो सकते हैं कि आपके पार्टनर यस कहेंगे नो कहेंगे, या अगर आपके पार्टनर तैयार है तो हो सकता है कि आप उनके पेरेंट्स से बात करने में झिझक रहे हो या अपने पेरेंट्स से बात करने में झिझक रहे हो. चाहे जो भी आपके केस में प्रॉब्लम हो या जिस भी काम को लेकर आप परेशान हो, आपको लगता है कि नहीं होगा, शायद आपको इस वीक में ट्राई करना चाहिए. टेन ऑफ स्फीयर के साथ लक आपके साथ है तो ज्यादातर चीजें अपने आप होंगी. आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा. आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि उस चीज में आपको सक्सेस मिलेगी. और यहां पे लेडी का कार्ड है. आई थिंक आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है क्योंकि लेडी के कार्ड के होने का मतलब है कि आप एक दूसरे से लॉयल है, एक दूसरे से डेडिकेटेड है. जितना आप इस पर्सन से प्यार करते हैं ये पर्सन भी आपको उतना ही प्यार करता है. आप अटैच्ड हैं. ये एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है. यहाँ पे कॉन्फिडेंस है एक दूसरे में, भरोसा है. सो आई थिंक अगर आप इस रिलेशनशिप को एक नए डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो यही मौका है अपने आइडियाज को सामने रखने का. ओके. अगर आप सेपरेशन में हैं तो भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर मूव ऑन कर गए होंगे या आपको मिस नहीं करते होंगे, आपके और उनके बीच का बॉन्ड खत्म हो गया है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा है. द पर्पस के साथ ये पर्सन डेडिकेटेड है, ये आपके लाइफ में है और ये मूव ऑन नहीं कर रहा. ओके. तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को वेट है. शायद आपके और उनके बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए उनके बाद उन्हें लगता है कि आपके और उनके बीच कुछ भी वर्क नहीं करेगा, या आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं कर पाएंगे या चीजें बदल नहीं पाएंगी, और शायद इसलिए वो अपनी तरफ से कॉन्फिडेंस से कुछ कर नहीं पा रहे या कोई स्टेप नहीं ले पा रहे. तो यहां पर जरूरी है कि आप एक दूसरे को ट्रस्ट दें कि आप इस जर्नी में एक साथ हैं और आप एक साथ ही रहेंगे चाहे सिचुएशन जो भी हो. एंड यहां पर आपके लिए चीजों को नए सिरे से शुरू करने के लिए या सही करने के लिए अपॉर्चुनिटी है. यूनिवर्स की ब्लेसिंग है. जो कुछ भी आप सोच रहे थे वो आप इस वीक में स्टार्ट करेंगे और आपको सक्सेस मिल जाएगी बहुत कम एफर्ट में ही. ओके. तो आप चाहे जो भी सोच रहे हो, ये कार्ड सिर्फ लिमिटेड नहीं है आपके लव रिलेशनशिप तक. आप चाहे तो वर्क प्लेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे किसी और सिचुएशन में भी अप्लाई कर सकते हैं. हर जगह आपका लक आपके साथ रहेगा. और यहां पर स्फीयर है तो हो सकता है कि ये कोई फायर साइन हो. हालांकि ये जरूरी नहीं है क्योंकि एक जनरल रीडिंग है. और इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह. चलिए आगे बढ़ते हैं.
Five of Stars. Two of Stars. Eight of Stars. Fortune's Wheel. Okay, तो हमारे पास Five of Stars है. ये टाइम है एडवर्सरी से लड़ने का, जो आपके रास्ते में बाधाएं हैं उनसे लड़ने का, क्योंकि इस वक्त आप हर बाधा को पार करने की ताकत रखते हैं, हर तरीके से अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए डिटरमिंड हैं, और इस समय आपका विल पावर भी स्ट्रांग रहेगा. सो आपको बस ज़रूरत है अपनी तरफ से थोड़ा सा पुश करने की, और आप देखेंगे कि चीज़ें अपने आप लाइन में आ जाएंगी. यहाँ पर टू ऑफ स्टार्स है. टू ऑफ स्टार्स के साथ आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है वो और गहरी हो रही है. आपके बीच में जो कनेक्शन है वो और गहरा हो रहा है. आपको बहुत सारे इमोशनल मूड स्विंग्स हो सकते हैं. एक पॉइंट पर आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप अब किसी काम का नहीं है, आपको यहां से चले जाना चाहिए. दूसरे पॉइंट पर आपको लगेगा कि आप इस पर्सन से दूर नहीं रह सकते, आपके और इनके बीच का कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. सो यहाँ पर बहुत सारे मूड स्विंग्स हो सकते हैं और आप इससे थोड़ा परेशान भी हो सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास एट ऑफ स्टार्स है. एट ऑफ स्टार्स के साथ ये कार्ड आपसे कह रहा है कि किसी चीज़ को लेकर ज़्यादा सोचिए मत. ओके, मेरे ख्याल से आप दोनों चीज़ों के परफेक्ट होने का वेट कर रहे हैं. शायद आप दोनों को ये लगता है कि जब सारी चीज़ें सही होंगी तो हम शादी कर लेंगे, या हम इंगेज हो जाएंगे, या हम कमिटमेंट कर लेंगे, या फिर हम सबको बता देंगे अपने रिलेशनशिप के बारे में, चाहे आपके केस में सिचुएशन जो भी हो. एक चीज़ ध्यान में रखिए कि आप सबको खुश नहीं कर सकते. शायद आप और आपके पर्सन दोनों इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं. आप दोनों चाहते हैं कि अगर सबको खुश किया जा सकता है तो आप सबको लेके ही चले, जो कि अपनी तरह से अच्छा है. आपकी सोच अच्छी है, आपके पार्टनर की भी सोच अच्छी है, पर एक चीज़ आपको गौर से सोचनी होगी. क्या आप इस इंतज़ार में बैठे रह सकते हैं कि कब सब आपकी सपोर्ट में आएंगे? क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट हो और हर कोई आपसे खुश हो, ये नहीं हो सकता. ये किसी से भी नहीं हो सकता, आपसे भी नहीं, मुझसे भी नहीं. जरूर ऐसे कुछ ना कुछ लोग होंगे जो फिर भी कंप्लेन करेंगे. ओके, एंड इन चीजों को इग्नोर कीजिए, नेगेटिविटी को इग्नोर कीजिए. इन दो लोगों की वजह से आप अपने बीच का कनेक्शन खो देंगे. दो लोग मतलब कि मैंने एग्जांपल में कहा, इसको लिटरली मत लीजिएगा. तो यहां पर आपको अगर ऐसा लगता है कि आपको एक दूसरे की जरूरत है और ज्यादातर चीजें आपके फेवर में ही हैं, तो फिर आप हेजिटेट मत कीजिए. और यहां पर आपके पास फिर से एक फॉर्च्यून व्हील है. लक आपके साथ है, यूनिवर्स आपके साथ है, आपके पास सपोर्ट है. आपको किसी चीज से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है स्कॉर्पियंस, या ज्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं. चलिए देखते हैं आपके लिए और एक मैसेज क्या है. Lady Berkshire, divine order. Do what you feel is right. An important lesson is unfolding. So, आपसे कहा जा रहा है वो कीजिए जो आपको अच्छा लगता है, या आपको सही फील होता है इस सिचुएशन में. ओके, और एक इम्पॉर्टेंट लेसन आपको सीखने को मिलेगा इन सबसे. शायद आज तक अपनी लाइफ में अपने ऊपर दूसरों को प्रायोरिटी देते आए हैं,
दूसरों का ओपिनियन आपके लिए ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पर ब्रेव बनिए और वो कीजिए जो आपको लगता है कि आपके लिए सही है। तो ये थी रीडिंग अगस्त के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।